हेलो स्टूडेंट्स, हम आज के वीडियो में क्लास टेंथ के फिजिक्स पर डिस्कस करेंगे। देखिए, क्लास टेंथ का फिजिक्स का जो सिलेबस होता है वो कम्प्लीटली आपको आगे ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस को मैच करेगा। टेंथ क्लास का फिजिक्स का जो सिलेबस है उसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपको आगे चल के ट्वेल्थ फिजिक्स में सपोर्ट करेगा। इसलिए मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये बात बता दूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आप पर जितने भी कॉन्सेप्ट पर बात करूँगा आप बहुत ध्यान से उसको समझिए, आपको आगे पढ़ने के लिए बहुत सपोर्टिंग होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ क्लास के इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पर। इलेक्ट्रिसिटी हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी देखिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी ये तो सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। आज हमारा पूरा लाइफ इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड होता है। हमारे सारे डिवाइस इलेक्ट्रिक करेंट पर ही चलते हैं। वहाँ सबसे पहले हम पढ़ने से पहले डिस्कस करते हैं एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। विच टाइप ऑफ एनर्जी? देखिए, आप अपने डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे। आप कंघी करने के बाद अपने कंघी को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े या डस्ट पार्टिकल्स के पास लाए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो कंघी छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। या आपने बारिश के दिनों में स्काई में लाइटनिंग देखा होगा, बिजली चमकते हुए देखा होगा। या ठंड के दिनों में आप जब स्वेटर पहनते हैं, ऊनी रेशमी कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े हम जब पहनते हैं या कपड़े उतारते हैं तो आपको चट 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 की आवाज़ आती है। कभी कभी छोटी छोटी चिंगारी भी दिखती है। ये जितने एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में ये सब इलेक्ट्रिसिटी है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता कैसे है? ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी? आपने देखा होगा सारे केस में फ्रिक्शन हो रहा है। जब हम कपड़े उतारते हैं तो बॉडी का कपड़े के साथ में फ्रिक्शन होता है। हम कंघी करते हैं तो कंघी का हमारे बाल के साथ में फ्रिक्शन होता है। इस तरह से फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। इसको सबसे पहले सिस्टमेटिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। पतंग उड़ाते हुए जब उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा उनके धागे पर, उन्होंने सबसे पहले बताया। फिर वैज्ञानिकों ने उसको लैब में एक्सपेरिमेंट किया और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स पर को रब कराया। एक दूसरे से रब कराने के बाद चार्ज देखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जब डेवलप होता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शन से जब डेवलप होता है तो वहाँ पर डेवलप होता है चार्ज। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? ये चार्ज क्या है और चार्ज डेवलप कैसे होता है? तो चार्ज डेवलप होने का जो बेसिक रीजन है वो है फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन फ्रिक्शन से चार्ज कैसे डेवलप होता है? देखिए, सपोज अपने पास ये कोई, जैसे मैंने बताया कि हम कंघी बाल पर कंघी करते हैं, तो सपोज ये बाल के पार्टिकल्स हैं, हेयर के पार्टिकल्स हैं, ये कॉम के पार्टिकल्स हैं। हम जब दोनों में फ्रिक्शन कराते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्रिक्शन के कारण एक्सटर्नल एनर्जी गेन करके दूसरे ऑब्जेक्ट को, दूसरे बॉडी को ज्वाइन कर लेता है। ऐसा करने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अधिक हो जाता है। इस तरह से जहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है वो पॉजिटिव चार्ज कहलाने लगता है, और चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हो गए तो ये निगेटिव चार्ज बन जाता है। दैट मीन्स आफ्टर फ्रिक्शन हु लूज इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड हु गेन इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव चार्ज। ये होता है चार्ज का कॉन्सेप्ट। अब जब चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम ये देखते हैं कि चार्ज डेवलप करने के बाद, चार्ज हमने प्रोड्यूस कर लिया, चार्ज डेवलप कर लिया, तो ये चार्ज फिर होता क्या है? चार्ज को हम या तो स्टोर करके कहीं रखेंगे या चार्ज को हम किसी कंडक्टर में फ्लो कराएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि हम रिवर के वाटर को डैम में स्टोर कर लेते हैं। डैम में स्टोर करने के बाद हम उस डैम के वाटर को थ्रू केनाल फ्लो कराते हैं और इरिगेशन के लिए अपन उसको यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से आफ्टर फ्रिक्शन जो चार्ज डेवलप होता है उस चार्ज को हम किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कराते हैं और कंडक्टर के थ्रू फ्लो करा के हम अपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को इसे चलाते हैं या उसको यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि चार्ज फ्लो होता कैसे है। देखिए, चार्ज फ्लो होने के लिए जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी का वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। देखिए, आप एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिए।
सपोज मेरे पास ये एक चार्ज बॉडी है ए और एक दूसरा चार्ज बॉडी है सपोज बी, इनके पास कुछ चार्ज हैं। सपोज चार्ज बॉडी ए के पास 100 कूलम ऑफ चार्ज है और बी बॉडी के पास सपोज 20 कूलम चार्ज है। अब हमने ये दोनों चार्ज बॉडी जो अभी सेपरेट हैं इनको हमने एक कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर दिया। इस तरह से हमें कंडक्टर वायर से इसको कनेक्ट कर दिया। तो कंडक्टर वायर से कनेक्ट होने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि चार्ज ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा। नेचुरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही रिप्लाई करेंगे कि सर चार्ज ए से बी में जाएगा, क्योंकि उनके पास एक लॉजिक ये होगा कि ए के पास ज़्यादा चार्ज है और बी के पास अमाउंट ऑफ चार्ज कम है विथ कंपेरिजन टू ए। लेकिन यह कॉन्सेप्ट गलत है, ये गलत है कि चार्ज ए से बी में जाएगा, और हम ये भी नहीं कह सकते कि बी से में जाएगा। दैट मीन्स इन दिस कंडीशन वी कैन नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देन हाउ वी कैन डिटरमाइन, इसको समझने से पहले हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। सपोज हमारे पास दो वाटर कंटेनर है, ये एक वाटर कंटेनर ए है ये बी है, इसका वाटर का लेवल यहाँ तक है और इसके पास सपोज 100 लीटर का वाटर है, और सपोज बी कंटेनर का वाटर का लेवल यहाँ तक है और इसके पास सपोज 20 लीटर वाटर है। अभी दोनों सेपरेट हैं। अब सपोज हमने क्या किया, एक पाइप से हमने दोनों को इंटरनली कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम आपसे पूछें कि वाटर ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा, तो नेचुरली हर स्टूडेंट ये रिप्लाई करेगा कि सर वाटर बी से ए में जाएगा, और उसके पास इसका रीजन भी है। रीजन क्या है कि वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। ये बात हर किसी को पता है कि वाटर हाई लेवल से लो लेवल पर फ्लो होता है। वाटर का फ्लो होना वाटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, उसके लेवल पर डिपेंड करता है। इसीलिए डैम हाइट में होता है, केनाल नीचे होता है, वाटर डैम टू केनाल फ्लो होता है। तो जिस तरह से इस केस में हम देख रहे हैं कि वाटर का अमाउंट, इसके पास ज़्यादा वाटर होने के बाद भी कम से इधर वाटर आ रहा है क्योंकि इसका लेवल हाई है, उसी तरह से यहाँ पर जो चार्ज का फ्लो होना, अभी हम नहीं बता सकते कि चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा। तो फिर कैसे पता चलेगा कि चार्ज ए टू बी फ्लो होगा कि बी टू ए फ्लो होगा। तो यहाँ पर चार्ज को जो डिटरमाइन करने वाला फैक्टर है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फैक्टर विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब मैं आपको ये बोल दूँ कि ए बॉडी के पास सपोज 20 वोल्ट का पोटेंशियल है और बी के पास 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो अब यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं कि चार्ज फ्लो फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दैट मीन्स जिस तरह से वाटर का फ्लो होना वाटर की क्वांटिटी पर नहीं, वाटर के लेवल पर डिपेंड करता है, उसी तरह से चार्ज का फ्लो होना चार्ज की क्वांटिटी पर नहीं, पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। किस तरह से, कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। दैट मीन्स पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, पोटेंशियल इज ए फैक्टर विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दिस इज द मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट इट्स डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन इट्स फार्मूला। फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल इज वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, वेयर डब्ल्यू इज अमाउंट ऑफ वर्क एंड क्यू इज अमाउंट ऑफ चार्ज। देन विच टाइप ऑफ वर्क, अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि वर्क यहाँ किस तरह का है। इस वर्क को समझने से पहले आप देखिए, फिजिक्स में आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब आप डेफिनेशन करते हैं तो मेरा आपको एक सजेशन है कि कभी भी आप किसी डेफिनेशन को रटिए मत, डेफिनेशन को समझिए। तो डेफिनेशन अपने को समझना कैसे है, डेफिनेशन को आप पिक्चराइज करिए, आप अपने ब्रेन में पिक्चर एक इमेजिन करिए कि वो हो क्या रहा है, और आप यदि किसी डेफिनेशन को पिक्चर के फॉर्म में आप इमेजिन करके अपने ब्रेन में रखेंगे तो कभी भी आप डेफिनेशन को भूलेंगे नहीं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब तक आप पोटेंशियल नहीं समझेंगे आप कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझ सकते। यहाँ पर देखिए, मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, ये मैंने जो बाउंड्री बनाया, सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दैट मीन्स यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज है, सपोज यहाँ पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है या माइनस क्यू चार्ज भी हो सकता है, और इसके बाहर कोई अननोन पॉइंट है वहाँ पर रखा हुआ है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं।
यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इसका चार्ज स्ट्रेंथ 1 है और नेचर पॉजिटिव टाइप का है। अब इमेजिन करो कि हमको इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाना है। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए हमको यहाँ पर जो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बिना वर्क किए वहाँ पर आएगा नहीं, तो जब हम इसको यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क करेंगे, वही जो वर्क होगा वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। दैट मीन्स यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पर इस फार्मूला में देखो, हम चार्ज को ले लिए, सपोज अमाउंट ऑफ चार्ज इज यूनिट, देन यदि क्यू वन हो जाए देन वी इक्वल टू डब्लू, दैट मीन्स पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क, पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क। एक्चुअली पोटेंशियल क्या है, वर्क के इक्वल है, लेकिन किस वर्क के इक्वल है, जो यूनिट चार्ज पर होता है, जो यूनिट चार्ज पर किया जाता है। तो किस टाइप का किया जाता है, ये जो सिचुएशन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया इसको आप ध्यान से समझिए। अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ वर्ड टू वर्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, यहाँ पर फार्मूला में देखिए, फार्मूला से ही आप डेफिनेशन बनाना सीखिए, अदरवाइज आपको सारे चीज़ों को रटना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। आप इमेजिन करिए कि ये रूम जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और रूम के बाहर कोई अननोन पॉइंट है, उस अननोन पॉइंट से, अननोन पोजिशन से सपोज मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस रूम तक लाना है, तो उसको लाने के लिए मैं जो वर्क करूंगा, दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम देखते हैं इसका यूनिट, यूनिट ऑफ द पोटेंशियल, इसका यूनिट होता है वोल्ट, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड वी कैन डिफाइन वन वोल्ट। अब हम वन वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं, वन वोल्ट का डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो वन वोल्ट का डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए इफ हम W को वन जूल सपोज कर लेते हैं, सपोज अमाउंट ऑफ वर्क इज वन जूल एंड सपोज अमाउंट ऑफ चार्ज इज वन कूलम, देन पोटेंशियल इज वन वोल्ट, वन वोल्ट हो जाएगा। यहाँ फार्मूला में देखिए V इक्वल टू W अपॉन Q है, ये दोनों यूनिट होंगे, ये भी यूनिट हो जाएगा। तो वन वोल्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, इफ वन जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग ए वन कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट इज वन वोल्ट। यदि वन कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में वन जूल का वर्क करना पड़े तो उसका जो पोटेंशियल है वो वन वोल्ट कहलाता है। ये है पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल के बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि नाम से क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता होगा, दो पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस। जिस तरह से वाटर को फ्लो होने के लिए हाई लेवल और लो लेवल जरूरी है, वाटर को हमको फ्लो कराना है तो एक वाटर का लेवल हाई होना चाहिए, दूसरे का लो होना चाहिए, तभी वाटर फ्लो होगा। उसी तरह से यदि हमको किसी सर्किट में करंट फ्लो कराना है तो करंट फ्लो कराने के लिए उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में टू पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और हमने एक पॉइंट लिया बी। सपोज ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए है और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सपोज वी बी है, तो दोनों पॉइंट के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा, दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी, ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस। बट इट्स डिफिनेशन इज वी ए माइनस वी बी को हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूला के फॉर्म में W अपॉन Q। तो यहाँ पर भी इस केस में भी यदि हम Q को यूनिट ले लें तो वी ए माइनस वी बी
इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो ए अमाउंट ऑफ वर्क इन यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर किस तरह का वर्क है, देखिए पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, वहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो पॉइंट है अननोन था, मतलब आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो क्या डिफरेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सपोज ये हमारा रूम एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, उस अमाउंट ऑफ वर्क को बोलते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। सपोज हमारे पास ये एक वायर है, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दिया, ये की लगा दिया, और ए भी एक वायर है। अब सपोज इसमें हमको करंट फ्लो कराना है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। यदि ए पॉइंट और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल हो इक्वल हो जाए, सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है और यहाँ का पोटेंशियल वी बी है, और यहाँ पर वी ए को मैं वी बी कह दूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इक्वल पोटेंशियल के टर्मिनल में हम करेंट फ्लो नहीं करा सकते, जिस तरह से वाटर को हम इक्वल लेवल में फ्लो नहीं करा सकते। यदि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो तो हम वहाँ पर फ्लो नहीं करा सकते। इसी तरह से करेंट को भी हम दो इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट पर फ्लो नहीं करा सकते। तो आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिसिटी समझने में बहुत प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ, पोटेंशियल और सॉरी इसके बाद अपन पहले पढ़ते हैं करेंट, करेंट और पोटेंशियल पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट, व्हाट इज करेंट, करेंट रिप्रेजेंटेड बाई आई एंड आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी वेयर क्यू इज अमाउंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज है, और टी इज टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में हम टाइम डिवाइड करते हैं तो उसको बोला जाता है रेट, द रेट। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करेंट का, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होने का जो रेट होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में जो हम चार्ज फ्लो कराते हैं, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करेंट कहलाता है। अब अपन देखते हैं इसका यूनिट, यूनिट इज एम्पियर, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। अब यहाँ हम डिफाइन करते हैं वन एम्पियर, यदि हमको वन एम्पियर डिफाइन करना है तो इस सिचुएशन में चार्ज और टाइम को क्या करेंगे, यूनिट लेंगे। इफ चार्ज इज वन कूलम एंड टाइम इज वन सेकेंड देन करेंट इज वन एम्पियर। दैट मीन्स अब इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे अपन, इफ वन कूलम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर फॉर वन सेकेंड देन अमाउंट ऑफ करेंट इज वन एम्पियर। यदि किसी सर्किट में वन कूलम चार्ज वन सेकेंड तक फ्लो कराया जाए तो उसका जो करेंट होता है वो वन एम्पियर होता है या वन एम्पियर कहलाता है। ये है इलेक्ट्रिक करेंट का डेफिनेशन। फ्लो ऑफ चार्ज इज करेंट, करेंट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो होना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल बताया कि हमने सपोज वाटर को डैम में कलेक्ट कर लिया है, दैट इज चार्ज, लेकिन जब उसी वाटर को हम केनाल के थ्रू फ्लो कराने लगते हैं दैट इज करेंट। तो यहाँ पर क्या है, आप इसको विजुअल समझिए कि हमने फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज डेवलप किया तो रेस्ट फॉर्म में है, वो चार्ज है, लेकिन वही चार्ज जब किसी केबल से थ्रू होने के थ्रू फ्लो होने लगे तब हम क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक करेंट कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ
ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ओम ने जो रूल दिया उसी के बेस पर इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, पढ़े जाते हैं। देखो तो ओम ने क्या बताया कि सपोज अपने पास ये कोई कंडक्टर है, ए बी कंडक्टर है, इसको हमने किसी बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया। अब इस कंडक्टर में हम जब करंट फ्लो कराते हैं तो सपोज इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज वी, और ये जो कंडक्टर ए बी है इस कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिजिकल कंडीशन मीन्स इट्स लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर आर कांस्टेंट। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स वी प्रोपोर्शनल टू आई। ओम का स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे वर्ड टू वर्ड। पहले तो ओम ने कंडीशन बताया, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर रिमेनिंग अनचेंज देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करेंट। यदि किसी कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन अनचेंज हो, कांस्टेंट हो, तो उसके टर्मिनल में जो पोटेंशियल क्रिएट होता है या पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है वह उसमें जितना करंट फ्लो कराते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस रिलेशन को यदि हम आगे सॉल्व करें तो दैट इज वी इक्वल टू एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये कांस्टेंट है आर, फिर आर इज कांस्टेंट एंड आर कांस्टेंट इज नोन एज आर फॉर रेजिस्टेंस। R इज रेजिस्टेंस, R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। दैट मीन्स इसका डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड अमाउंट ऑफ करेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एक्चुअल में रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हम आगे करेंगे, लेकिन हम पहले रेजिस्टेंस का मीनिंग समझ लें। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध, रुकावट। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम रोड में ट्रेवल करते हैं रोड में, तो रोड में स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं, जब हमारे सामने स्पीड ब्रेकर आता है तो हम अपने व्हीकल के स्पीड को कम कर लेते हैं, और उसको पार करने के बाद हम अपनी स्पीड को फिर बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से जब हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो कराने पर वो कंडक्टर क्या करता है, करंट फ्लो होने को रोकता है, वो उसका रेजिस्टिविटी, वही उसका रेजिस्टेंस है, जो मतलब रेजिस्टेंस का सिंपल मीनिंग है रोकना, किसी चीज़ को रोकना। तो करंट के फ्लो होने के रूट में जो प्रॉब्लम्स, जो ऑब्स्टेकल है, जो रुकावट है, उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। लेकिन रेजिस्टेंस का जो मैथमेटिकल मीनिंग है हम उसको यहाँ से डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एंड द करेंट एंड इट्स यूनिट इज ओम। ओम साइंटिस्ट के नाम पर इसके यूनिट को ओम कहा गया, और इसको हम ग्रीक लेटर के इस ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअल में ओमेगा है, ये ग्रीक लेटर का ओमेगा है जिससे हम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम इसको रीड करते हैं, रेजिस्टेंस के जब रीड करते हैं तो हम इसको ओमेगा रीड नहीं करते, तब हम इसको क्या रीड करते हैं, ओम रीड करते हैं। क्लियर? इस तरह से ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स डेफिनेशन ऑफ वन ओम। अब यदि हमको वन ओम का डेफिनेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पोटेंशियल और करंट को यूनिट ले लेंगे। सपोज इफ पोटेंशियल इज वन वोल्ट एंड अमाउंट ऑफ करंट इज वन एम्पियर देन रेजिस्टेंस इज वन ओम। इस तरह से का डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, देखिए हर टॉपिक का डेफिनेशन करना मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि आप कभी भी डेफिनेशन को रटिए मत, आपको डेफिनेशन को समझना है। अब इस सिचुएशन को आप इन्वर्ट बोल दीजिए, इस तरह से बोलेंगे क्या क्या हो रहा है, वन एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, और इसके दोनों टर्मिनल में वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उस टाइम में ये जो हमने वायर यूज किया है कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस वन ओम होगा, सिंपल सा मीनिंग है। इस तरह से आप उसको इमेजिन करिए और उसका तरह से आप उसको समझिए। तो अब मैं इसका डेफिनेशन किस तरह से कर सकता हूँ, देखो इफ वन एम्पियर करेंट इज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर एंड इट्स पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor, across the terminal is 1 volt, then resistance is 1 ohm, 1 volt, then its resistance 1 ohm. That means, यदि किसी conductor में 1 ampere current flow हो रहा हो और उसके terminal में 1 volt का potential difference हो,
तब हम उसके रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। ये कहलाता है ओम्स लॉ और डेफिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू ओम्स लॉ, इस फैक्टर्स अफेक्टिंग आर, फैक्टर्स अफेक्टिंग आर, दैट मीन्स आर को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, किस किस रीजन से आर पर इफेक्ट होता है। फर्स्ट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, दैट मीन्स यदि हम कंडक्टर वायर के लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ये अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि सपोज हमको करेंट बहुत दूर तक ले जाना है, सपोज हमको 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर तक करंट ले जाना होता है कभी कभी, तो जब हम लंबा केबल यूज़ करते हैं तो देखते हैं कि लास्ट टर्मिनल में अमाउंट ऑफ करंट बहुत डिक्रीज हो जाता है, वहाँ बल्ब लगा दें तो डिम हो जाता है, उसकी रोशनी कम हो जाती है। वो किस लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वायर यूज़ करेंगे, यदि आप वायर के लेंथ को ज़्यादा करेंगे तो उसका रजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। एंड सेकेंड इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर वायर। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है मेरा, तो ये सपोज कंडक्टर है, तो यहाँ का जो एरिया होगा उसका जो थिकनेस होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमको दूर तक करेंट ले जाना होता है तो हम ज़्यादा थिकनेस के वायर को यूज़ करते हैं, या घर में जब हम अपना इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि इलेक्ट्रीशियन जब हमारे घर में इलेक्ट्रिफिकेशन करता है तो जो पॉइंट्स देता है, जैसे हमको कहीं पर एसी चलाना है, गीजर चलाना है, तो वहाँ पर जो पॉइंट देता है उस पॉइंट में वो मोटा वायर यूज़ करता है। वो हमसे पूछता है कि आपको यहाँ पर क्या चलाना है, एसी चलाना है, तो फिर हम वहाँ पर वो मोटा वायर देता है, ज़्यादा थिकनेस का, ज़्यादा एमएम का वायर देता है। और वो इसलिए देता है क्योंकि हम उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट मीन्स वायर को मोटा करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि हमको ज़्यादा लोड वहाँ पर लेना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, लेंथ एंड एरिया। एंड थर्ड इज आर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट मीन्स इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस विल बी आल्सो इंक्रीजेज। यदि हम किसी वायर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब गर्मी का दिन होता है, ठीक है, समर टाइम में आपने देखा होगा कि हमारे पूरे सर्विस केबल या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो केबल आता है वो गर्म हो जाता है गर्मी के दिन में, तो गर्म होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो वोल्टेज प्रॉब्लम होता है। आपने देखा होगा कि ठंड के दिन में, बारिश के दिन में उतना हम वोल्टेज प्रॉब्लम नहीं होता जितना गर्मी के दिन में होता है, ये आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया होगा। वैसा क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। यदि आप अपने कंडक्टर के, आप एक छोटा सा घर में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक छोटा सा आप सर्किट बनाइए और छोटा सा सर्किट बना के वहाँ पर आप डीसी करंट से बैटरी से सप्लाई करके एक बल्ब जला लीजिए और आप किसी लैम्प से या कैंडल से वायर को आप गर्म करिए, तो आप देखेंगे बल्ब की रोशनी धीरे 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 कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, या हमने उसके केबल के टेम्परेचर को इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस भी हाई हो गया। और ये उल्टा भी सही होता है, यदि रेजिस्टेंस हाई हो तो टेम्परेचर हाई होता है। आपने देखा होगा कि घर में जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, बल्ब के फिलामेंट, हीटर, गीजर, इसमें जो केबल यूज़ किया जाता है वो हाई रेजिस्टेंस वायर यूज़ किया जाता है। वो हाई रेजिस्टेंस जो वायर होता है इसको हीटिंग एलिमेंट्स कहा जाता है, जैसे टंगस्टन, नाइक्रोम, ये सब हीटिंग एलिमेंट्स हैं, ये हाई रेजिस्टेंस वायर हैं, तो इनका रेजिस्टेंस हाई होता है तो टेम्परेचर भी हाई होता है। हम एक सिंपल केबल में करंट फ्लो कराते हैं तो रेड हॉट नहीं होता, लेकिन उसी करंट को जब हम गीजर में या हीटर में सप्लाई करते हैं तो रेड हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो हाई रेजिस्टेंस वायर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो फैक्टर हमने जो देखा है, R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यदि ये दोनों रिलेशन को कंबाइन कर दें तो यहाँ पर एक नए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चलता है, दैट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, देखिए ये दोनों रिलेशन हम यदि कंबाइन कर दें तो ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ये दोनों रिलेशन को हमने कंबाइन कर दिया, दैट इंप्लाइज इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा R इक्वल,
यहाँ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज रो। यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट यूज किया है इसको हम रो पढ़ते हैं, ये ग्रीक अल्फाबेट का एक लेटर है, और रो यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है, और रो को हम डिफाइन करें तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। और इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से, इफ आर इक्वल टू, सॉरी, इफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज वन एंड लेंथ इज आल्सो वन देन रो इक्वल टू आर। मतलब क्या हुआ इसका, हमारे पास कोई वायर है, केबल है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वन है और लेंथ भी वन है, दोनों यूनिट हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी कहलाता है। दैट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ, यहां से देखें डेफिनेशन में कैसे करता हूं, द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये मेरा मार्कर यूनिट लेंथ का है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट है, तब मैं इसके रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ना कह के क्या कहूँगा, रेजिस्टिविटी कहूँगा, तब इसको मैं कहूँगा रेजिस्टिविटी। दैट मीन्स एरिया भी वन होना चाहिए और लेंथ भी वन होना चाहिए, तब उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाएगा। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल रेजिस्टेंस फॉर एक स्पेशल केस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओम्स लॉ, डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड डेफिनेशन ऑफ वन ओम एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड रेजिस्टिविटी, ये यहाँ पर ओम्स लॉ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो हम रेजिस्टेंस जो वायर यूज करते हैं, देखिए जब हमारे पास कोई डिवाइस होता है, हर डिवाइस का अपना रेजिस्टेंस होता है, बल्ब का अपना रेजिस्टेंस होगा, एसी का अपना रेजिस्टेंस होगा, फैन का अपना रेजिस्टेंस होगा, हम घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करते हैं सबके अपने रेजिस्टेंस हैं। और जब ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हमको यूज करना होता है तो हम इसको दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, आइदर सीरीज और पैरेलल। देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल। नाउ वी कैन स्टडी अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल्स आपसे तभी बनेंगे जब आपको उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अपन देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपको स्पेशल नोटिस करना है, जो बात ध्यान देना है वो है करंट इज कांस्टेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। किस तरह से, देखिए ये हमने एक सर्किट बनाया, ये इसका सपोज रेजिस्टेंस R1 है, R1, R2 एंड R3, ये थ्री रजिस्टर्स हैं अपने पास। इसको हमने एक बैटरी के साथ में कंबाइन कर दिया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर जब हम करंट फ्लो कराएंगे I, तो नेचुरली ये I करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी और यहाँ से रिटर्न आएगा आई करेंट। दैट मीन्स तीनों रजिस्टर में आई क्या है, कांस्टेंट है, बट इसके पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो जाएगा, इसका V2 हो जाएगा, इसका V3 हो जाएगा, इसके पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। अब यहाँ पर देखिए जो टोटल पोटेंशियल होगा V, तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। दैट इंप्लाइज हमको ओम्स लॉ से पता है कि V इक्वल टू होता है I इंटू आर। इस फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर दें तो हो जाएगा I इंटू आर, और V1 को लिख सकते हैं अपन I इंटू R1, I तो कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस R1 है। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं अपन I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। दैट इंप्लाइज दोनों साइड से I को कॉमन करें तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज फार्मूला, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फाइनल इक्वेशन है। दैट मीन्स यदि अपन दो या दो से अधिक, इफ टू आर मोर देन टू रजिस्टर आर कंबाइंड इन सीरीज
देन इट्स रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यदि फोर्थ नंबर का फिफ्थ नंबर का हो सब एड होते जाएगा। एंड सेकेंड कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां पर ये एक रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, ये सेकंड नंबर का रजिस्टर है, ये थर्ड नंबर का रजिस्टर है, ये सभी रजिस्टर को हम कंबाइन कर दें इस तरह से कि इसके पूरे जो पॉइंट्स हैं वो कॉमन हो जाए। कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दिया और एक की लगा दिया। अब इस सर्किट को आप देखिए, इसका रेजिस्टेंस सपोज R1 है, ये R2 है, R3 है। अब इस सर्किट में हम जब करंट सप्लाई करेंगे, सपोज हमने यहाँ से I करंट सप्लाई किया, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये जो टर्मिनल A है इस टर्मिनल पे जब I करंट जाएगा तो ये थ्री पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज R1 से I1 करंट फ्लो हो रहा है, R2 से सपोज I2 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ सपोज I3 करंट फ्लो हो रहा है। देखिए इसमें अमाउंट ऑफ करंट डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पर I कांस्टेंट था, यहाँ पर क्या कांस्टेंट होगा, यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप कभी मत भूलेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ टोटल अमाउंट ऑफ करंट I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। दैट इंप्लाइज अब यहाँ से हम देखिए ओम्स लॉ से V इक्वल टू I इंटू R, तो I इक्वल टू V अपन R होता है, सिंस I इक्वल टू V अपन R। ये फार्मूला यूज करें तो I के जगह लिख सकते हैं अपन V अपन R, और I के 1 के जगह V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3। दैट इंप्लाइज दोनों साइड से V कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने को फार्मूला मिलेगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला है। इस तरह से ये सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर मैं कंपेरेटिवली आपको बता रहा हूँ कि कौन सा कॉम्बिनेशन किस तरह से यूज़ किया जाता है। सपोज हमको डेकोरेशन के लिए, जैसे अपन दीपावली वगैरह में अपने घर में डेकोरेट करते हैं तो बाहर जो बल्ब लगाते हैं उसमें जो बल्ब लगाते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, लेकिन हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए घर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, जैसे इस कमरे में हमने जो इलेक्ट्रिफिकेशन किया हुआ है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो क्यों, वाई? इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर डोमेस्टिक यूज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज्ड, वाई? डोमेस्टिक यूज़ के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो इसके दो रीज़न है। देखिए पहला रीज़न तो ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्ट एड होते हैं, तो जब रेजिस्टेंस डायरेक्ट एड होते हैं तो इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल फॉर्म में एड होते हैं तो रेजिस्टेंस यहाँ कम होता है। दैट मीन्स यदि थ्री रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कंबाइन करें तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसी को हम यदि पैरेलल कंबाइन करें तो कम होगा। एक रीज़न ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, आप इस सर्किट को ध्यान से देखो कि सपोज ये हम आई करंट यहाँ फ्लो करा रहे हैं, अब ये वाला डिवाइस सपोज काम करना बंद कर दिया या ये बल्ब फ्यूज हो गया सपोज, तो यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आगे के दो डिवाइस में करंट सप्लाई होना बंद हो जाएगा। इस तरह से एक सर्किट खराब होने पर पूरा का पूरा सिस्टम हमारा खराब हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये करंट यहाँ पर पहुँचा और सपोज इस डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया तो बाकी दो डिवाइस को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में करंट सप्लाई होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक डिवाइस के वर्क नहीं करने पर बाकी डिवाइस को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन किया हुआ है, एक फैन खराब हो जाए, एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो उसका बगल वाला फ्यूज बल्ब काम करता है, ऐसा नहीं कि वो काम करना बंद नहीं करता, लेकिन सीरीज में ऐसा। इसलिए हम क्या करते हैं, घर में जो डोमेस्टिक यूज के लिए जो हम सर्किट बनाते हैं उसको हम क्या करते हैं, पैरेलल कंबाइन करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बात और ध्यान देंगे आप, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल्स के बारे में, तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करेंट एंड पावर, इलेक्ट्रिक पावर।
हीटिंग इफेक्ट, देखो इलेक्ट्रिक करंट बहुत तरह का इफेक्ट शो करता है, इसमें एक है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? आपने अभी मैंने बताया कि रेजिस्टेंस वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर हीट ही है। दैट मींस रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जूल नाम के साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या पाया कि जब करंट को हम किसी कंडक्टर में सप्लाई करते हैं, जैसे आपने देखा है कि करंट सप्लाई करने पर जो एलिमेंट्स हीटिंग एलिमेंट है, हीटर गर्म हो जाता है, ठीक है, बल्ब के क्वाइल फिलामेंट गर्म हो जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये पाया कि फर्स्ट हीट जो प्रोड्यूस होता है वो अमाउंट ऑफ करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। वहां से आया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड नेक्स्ट इज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितने ज्यादा टाइम तक हम, जैसे हम मान लो हीटर को एक घंटे तक करंट देंगे और दो घंटे तक करंट देंगे तो नेचुरली दो घंटे में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि हम ये थ्री रिलेशन कंबाइन कर दें तो हम अपने को एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, दैट इंप्लाइज एच इक्वल, यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को जूल ने यूनिट लिया तो उसको हम यूनिट ले लेते हैं, ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। दैट मीन्स किसी कंडक्टर में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, सपोज हमको किसी न्यूमेरिकल में अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करना है तो हमको अमाउंट ऑफ करंट पता होना चाहिए कि हमने कितना करंट कंडक्टर में सप्लाई किया, हमको उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए कि कितने टाइम तक हमने करंट सप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करने से अमाउंट ऑफ हीट अपने को कैलकुलेट हो जाता है, ये कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एंड पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, वेयर डब्ल्यू इज अमाउंट ऑफ वर्क, ये वर्क है, और टी है टाइम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। हम टाइम के रेस्पेक्ट में जितना वर्क करते हैं वही पावर कहलाता है, और पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट, यूनिट इज वाट। देन डेफिनेशन ऑफ वन वाट इज, यदि हमको वन वाट को डिफाइन करना है तो किस तरह से अपन कर सकते हैं, देखिए यहां दोनों को यूनिट ले लेंगे, इफ डब्ल्यू इक्वल टू वन जूल एंड टाइम इज सपोज वन सेकेंड देन पावर इज वन वाट। तो डेफिनेशन कैसे बन जाएगा इसका, इफ वन जूल हीट इज प्रोड्यूस इन वन सेकेंड थ्रू एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस देन इट्स पावर इज वन वाट। हमने किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को वन सेकेंड तक करंट दिया और उतने देर में उसने यदि वन जूल का हीट प्रोड्यूस किया या वन जूल का उसने वर्क किया तो उसका जो पावर होगा वो वन वाट होगा। ये हीट प्रोड्यूस करने और वर्क में क्या डिफरेंस है, देखिए सपोज मैं किसी बल्ब को करंट दे रहा हूँ तो बल्ब क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन सपोज मैं करंट किसी मोटर को दे रहा हूँ या फैन को दे रहा हूँ, पंखे को दे रहा हूँ तो क्या करेगा, वर्क करेगा। तो यहाँ पर ये जूल का दो सेंस है, एक हीट प्रोड्यूस करने पर है, एक वर्क करने पर है। हीट प्रोड्यूस करेगा हीटिंग एलिमेंट्स को मैंने दिया तो हीट प्रोड्यूस करेगा, हीटर को दिया तो हीट प्रोड्यूस करेगा और फैन को दूंगा तो रोटेट होगा वो, लेकिन दोनों में क्या होगा, वाट होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि इफ वन जूल वर्क इज डन आर वन जूल हीट प्रोड्यूस इन वन सेकंड देन पावर इज वन वाट, और वाट का जो बड़ा यूनिट होता है वो होता है हॉर्स पावर, 746 वाट इक्वल टू 1 HP मींस हॉर्स पावर। कभी कभी हमको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में पावर को हॉर्स पावर के फॉर्म में दिया रहता है तब तो हम उसको वाट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 746 वाट
इक्वल टू 1 HP यूज़ करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए हम इलेक्ट्रिक पावर का जो फार्मूला है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक फॉर्म तो हुआ W/T, ठीक है। अब इसके जो अदर फॉर्म्स ऑफ द फार्मूला ऑफ पावर, तो क्या क्या निकल सकता है, देखो पी, अभी हमने जूल्स लॉ में देखा कि हीट I² R * T होता है एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू W, क्योंकि हम जितना वर्क करते हैं उतना ही हीट प्रोड्यूस होता है, तो हम इसको W के भी इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ W का वैल्यू अपन पुट कर दें तो हो जाएगा I² R * T/time, दैट इम्प्लाइज ये टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा तो पावर इक्वल टू हो जाएगा I² R, पावर का एक नया फार्मूला हमको ही मिल जाएगा। इसको और हम चेंज करना चाहें तो ओम्स लॉ से अपन जानते हैं V = I * R, यदि इस फार्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो हमको न्यू फार्मूला मिल जाएगा। कैसे, यहाँ से हम इसको therefore R = क्या हो जाएगा, यहाँ से V/I, तो ये जो R का वैल्यू है यहाँ से अपन रिप्लेस करते हैं तो हो जाएगा power equal to I square into R, R का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं क्या, V upon I, एक I कैंसिल होगा तो P = हो जाएगा V into I। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि पोटेंशियल और करंट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रोडक्ट होता है वो उसको पावर के इक्वल होता है। ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। और हम इसको चाहें तो और क्या हो जाएगा, देखो P = यहाँ से हमने अभी R का वैल्यू पुट अप किया, यदि हम यहाँ से I का वैल्यू पुट अप करना चाहें तो I = क्या हो जाएगा, V upon R, तो V² upon R² into R, दैट इम्प्लाइज P, यहाँ से एक R कैंसल आउट होगा तो V² upon R। ये फार्मूला कहाँ कहाँ यूज होंगे, सपोज आपको वर्क किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का वर्क पावर कैलकुलेट करना है और आपके न्यूमेरिकल्स में गिवन है करंट एंड रेजिस्टेंस, आप ये फार्मूला यूज करेंगे। आपके सर्किट में ये आपके न्यूमेरिकल्स में गिवन है पोटेंशियल और करंट, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और पोटेंशियल और रेजिस्टेंस है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इस तरह से ये जो हमारा हीटिंग इफेक्ट है और इलेक्ट्रिक पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर न्यूमेरिकल्स के लिए। तो ये टॉपिक जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया वो आपका 10th class के फिजिक्स के सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से है, और वो चैप्टर आपका चार्ज के कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है और यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर भी इफेक्ट ऑफ करंट है, लेकिन वो कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यदि आपका इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो मेरे उस वीडियो में आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है, हम जिस तरीके से आपको स्टडी मटेरियल या इस तरह से वीडियो में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आपको बेस्ट यूज़ कैसे करना है, ये 2 मिनट आपसे बात करता हूँ। देखिए आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, अभी आप 9th class से 10th class में आप प्रमोट होके आए हैं और इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए पहला और नया चैप्टर होगा, ये आगे चल के आपको 12th में बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपको इसको पढ़ना कैसे है, आप सबसे पहले मेरे इस लेक्चर को, इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ, जैसे आप क्लासरूम में बैठते हैं। इसके बाद एक बार आपको पूरा लेक्चर देखने के बाद यदि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, हो सके तो आप रफ कॉपी पास में रखिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को या जो फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करिए। यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो मेरा आपको सजेशन है कि इमीडिएट आप वीडियो को दोबारा देखिए। जब आपको चैप्टर पूरा समझ में आ जाए तो 2nd number का वर्क आपका क्या है, अब आप अपना रेफरेंस बुक या NCERT का बुक आप निकालिए और उस बुक को आप रीडिंग करिए उस चैप्टर को इमीडिएट उसी समय। जब आप बुक को रीडिंग करेंगे तो नेचुरली आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सब चीज़ों पर आपको डिस्कस किया हुआ है। तो उसको एक बार आप रीडिंग करिए, रीडिंग कर लेने के बाद जब आपको सारे चीज़ क्लियर हो जाते हैं तो उसमें जो सैंपल प्रॉब्लम दिया होगा, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम दिए होंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए होंगे, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। कहीं आपको प्रॉब्लम आता है तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए। इस तरीके से इस काम को यदि आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो नेचुरली मेरा जो पर्पज़ है कि आपको मैं बहुत अच्छे से ये फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सकूँ, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, और अभी भी आप ध्यान से देख ही रहे होंगे। थैंक यू।